हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, या इसे हम रूल्स भी बोल सकते हैं टीचिंग के, या इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया हमारे लेसन में। हमने डिस्कस कर लिया टीचिंग होता क्या है, टीचिंग का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया, फिलोसफी डिस्कस कर ली, एंड लेवल्स हम डिस्कस कर चुके हैं टीचिंग के। आज के इस लेसन में हम कंटिन्यू करते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, या रूल कौन कौन से हैं टीचिंग के, या प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं टीचिंग के। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग और रूल ऑफ टीचिंग के साथ। फर्स्ट रूल है, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है। मैक्सिम क्या होता है, एक ग्राउंड रूल और फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है दैट हैज इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट इज ए गाइड फॉर द फ्यूचर एक्शन और बिहेवियर। मैक्सिम्स क्या होते हैं टीचिंग के, जो कि हमारे को फ्यूचर एक्शन और बिहेवियर के लिए गाइड करते हैं। और टीचिंग मैक्सिम्स एक ग्राउंड रूल भी बोल सकते हैं और उसको फंडामेंटल रूल भी बोल सकते हो। ठीक है, जब हम मैक्सिम्स की बात करते हैं टीचिंग की, तो अगर उसको आप मैक्सिम्स का मतलब ये भी समझ सकते हो कि जो नियम है या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं That has evolved over a period of time. ठीक है, इट इज ए गाइड फॉर द फ्यूचर एक्शन और द बिहेवियर। जो मैक्सिम्स है टीचिंग के, यानी कि जो रूल्स हैं या प्रिंसिपल है टीचिंग के, वो क्या किस लिए होते हैं, जो गाइड करते हैं फ्यूचर एक्शन और बिहेवियर के लिए। टीचिंग हैज ऑल्सो इट्स ओन मैक्सिम्स विच हैज बीन डिस्कस्ड बिलो, दैट इज फर्स्ट इज द फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल चीजें पढ़ाते हैं हम बच्चों को, फिर धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो टीचर है वो स्टार्ट करता है सिंपल थिंग्स से, आइडिया से, एंड दीज कैन बी डन विद द डे टू डे एग्जाम्पल इफ पॉसिबल। देन ग्रेजुअली एक टीचर कैन मूव टुवर्ड द कंसेप्ट एंड टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्रिएट्स होगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा लर्नर को कि वो एक्वायर करे न्यू नॉलेज, और ये हेल्पफुल होगा किसके लिए, बेटर रिटेंशन में। फर्स्ट क्या है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो टीचर है पहले वो क्या करेगा, स्टार्ट करता है सिंपल थिंग्स से, आइडिया से, डे टू डे एग्जाम्पल से, और धीरे धीरे वो किसकी तरफ मूव हो जाता है, कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो लर्नर है उसका जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट होता है और वो न्यू नॉलेज एक्वायर करता है, और ये हेल्पफुल होता है कि वो लंबे टाइम तक रहेगा। ठीक है, अब हम इसी का एग्जांपल ले लो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में अगर हम सीधा ही, जैसे नेट का पेपर है, हम जो हमारा सीधा न्यूमेरिकल अगर किसी को टफ लगता है, न्यूमेरिकल पार्ट ही उठा लिया उसने, हमारा मैनेजमेंट सब्जेक्ट से दे रहे हैं, या हम इसमें फर्स्ट पेपर दे रहे हैं, किसी को डीआई या पेपर वो मुश्किल लगता है जिसका प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा वीक है, अगर उसने सीधा प्रैक्टिकल से ही स्टार्ट कर लिया तो उसका इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं इस चीज में। थ्योरी स्ट्रॉन्ग है और थ्योरी से धीरे धीरे करके उसने उठाना स्टार्ट किया, कब वर्क करना स्टार्ट किया, तभी तो वो लर्नर है, वो उसका मन करेगा कि हाँ मुझे और करना है, पढ़ना है मुझे। ठीक है, तो इससे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले बेसिक्स सीखो, फिर और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखो, देन न्यू थिंग्स पे चलो। इस तरीके से टीचर पढ़ा रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स वे पे लेके जा रहा है, तो जो लर्नर है वो उनका भी इंटरेस्ट रहेगा कि हम न्यू नॉलेज को एक्वायर करें, और ये हेल्पफुल होगा कि वो बेटर टाइम तक रहेंगे भी सही। ठीक है, पढ़ने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल है टीचिंग का, सबसे पहले सिंपल चीजें पढ़ाओ, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में ले जाओ। नेक्स्ट, फ्रॉम नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन का मतलब क्या होता है, जैसे कि भगवत गीता है, प्रायर नॉलेज को बेस बना के हम दूसरी नॉलेज पे पहुंचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम नॉन टू अननोन। जैसे गीता के अंदर, जो भगवत गीता है उसके अंदर सभी बातें लिखी हुई हैं, उसी को बेस बना के हम दूसरी नॉलेज पे पहुंच रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी दूसरा मैक्सिम है, दूसरा ग्राउंड रूल है, दूसरा प्रिंसिपल है टीचिंग का, रिटेंशन इज ऑलवेज बेटर इफ न्यू नॉलेज कैन बी लिंक विद द नोन वन, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड, फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम, ये रिलेटेड होता है फर्स्ट मैक्सिम से, यानी कि रिटेंशन इज ऑलवेज बेटर इफ न्यू नॉलेज कैन बी लिंक विद द नोन वन। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया भगवद गीता का,
इसमें सारी नॉलेज है, यानी हमने प्रायर नॉलेज को बेस बना के दूसरी नॉलेज पे पहुंच रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन। नेक्स्ट इज द फ्रॉम सीन टू अनसीन। सीन टू अनसीन में क्या होगा कि जो स्टूडेंट है वो क्या होगा, शुड इम्पार्ट नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड द पास्ट एंड फ्यूचर बेटर। ठीक है, इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट से नॉलेज ले रहा है एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड द पास्ट एंड फ्यूचर फ्यूचर बेटर। ठीक है, उससे क्यों क्या होगा कि समझ पाएगा पास्ट भी और फ्यूचर भी बेटर। ठीक है, सीन से मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके साथ स्टूडेंट है नॉलेज ले, देन अनसीन पे जाए पास्ट और फ्यूचर जिससे कि बेटर हो। ठीक है, थर्ड मैक्सिम है इसका, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का, फ्रॉम सीन टू अनसीन द स्टूडेंट शुड बी इम्पार्टेड नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड द पास्ट एंड फ्यूचर बेटर। ठीक है, सबसे पहले तो स्टूडेंट है उसको नॉलेज मिले अबाउट द प्रेजेंट, तभी वो समझ सकते हैं पास्ट और फ्यूचर को बेटर। नेक्स्ट, फ्रॉम कंक्रीट टू ऑब्स्टेक्ट। कंक्रीट टू ऑब्स्टेक्ट का मतलब क्या होता है, कंक्रीट का मतलब क्या होता है, कंक्रीट का मतलब होता है छोटे बच्चों को जो हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं, जैसे हमने क्या किया, एप्पल दिखा दिया, ए फॉर एप्पल, ये क्या है, हमने छोटे बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाया, दैट इज कंक्रीट। और यानी कि जो टेनिजेबल जो चीजें नजर आ रही हैं वो क्या होता है, कॉन्क्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हम इमेजिनेशन में लेके चले जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर होना चाहिए, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट है स्टूडेंट की वो हैपन विद द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। यानी अगर हमने बच्चों का ए फॉर एप्पल, तो उसने क्या किया, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ विद द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम उसको कहां पर ले गए, आफ्टरवर्ड दे गेन द माइक्रो वर्ड फॉर देम यानी कि एस्ट्रोनॉमी, मतलब उसके बाद उसको हम इमेजिनेशन में लेके चले गए, जो चीजें दिखती नहीं है इमेजिनेशन में लेके चले गए, दैट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट। कॉन्क्रीट में हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, उनको इमेजिनेशन में लेके चले जाते हैं। कॉन्क्रीट में बच्चों को प्रैक्टिकल दिखाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट में बच्चों को इमेजिनेशन में लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले हमने पूरी पिक्चर दिखाई, उसके बाद हमने उसको पार्ट्स में दिखा दिया, यानी कि गेस्टलेट साइकोलॉजी यहाँ पर काम करती है। गेस्टलेट साइकोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी करता है माइंड का और एंड बिहेवियर एज ए होल। गेस्टलॉजी में क्या करता है कि पहले हम सीधा होल ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो हमने जैसे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट देखते हैं, उसके बाद उसके पार्ट देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, पहले हमने पूरी बॉडी देखी देन उसके पार्ट देखे। ठीक है, एंड जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है, वी परसीव द ट्री देन इट्स ट्रंक देन इट्स ब्रांचेस देन इट्स लीव्स। ये क्या है, इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। यानी कि अब इसमें होल टू पार्ट में आप एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन बॉडी का भी, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो सब होते हैं। ठीक है, यानी फ्रॉम होल टू पार्ट गेस्टलेट साइकोलॉजी को हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल के अंदर क्या होता है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल बिल्कुल इजी है। इसमें क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी के थ्रू सिखाते हैं, जैसे उनका माइंड सेट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेडागोगी भी बोलते हैं साइकोलॉजी के थ्रू। और लॉजिकल जैसे बड़े बच्चों को जो हम लॉजिकली सिखाते हैं कि इतनी यूनिट्स हैं आपको इतनी स्टडी करनी है, तो जो बड़े बच्चों को सिखा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रागोगी। जो साइकोलॉजिकल जो कि माइंड सेट होता है, माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, दैट इज द पेडागोगी, इसी के अंदर इंक्लूड होगा। लॉजिकल में क्या होगा, इसमें जैसे एंड्रागोगी जो अडल्ट आते हैं वेरियस यूनिट्स आपको करनी है, तो ये क्या किसके अंदर आएगा, लॉजिकली उनको सिखाते हैं। साइकोलॉजिकल छोटे बच्चों को सिखाते हैं और लॉजिकली बड़े बच्चों को सिखाते हैं। छोटे बच्चों को साइकोलॉजिकल सिखाते हैं, उनका माइंड सेट हो जाता है उसके अकॉर्डिंग जैसे कि हम सिखा रहे हैं, तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल और पेडागोगी अप्रोच इसके अंदर एप्लीकेबल होती है। और लॉजिकली बड़े बच्चों के लिए हम उनको लॉजिकली सिखाते हैं, जैसे कि वेरियस यूनिट्स हैं ये आपको ऐसे ऐसे पढ़नी है, तो उनका माइंड सेट हो जाता है और इसके अंदर यूज होती है एंड्रागोगी अप्रोच।
इनिशियल स्टेज में जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बच्चा, तो लर्नर है वो लॉजिकल ऑर्डर पे एम्फेसाइज करता है, छोटे बच्चों के लिए साइकोलॉजिकल और बड़ों के लिए लॉजिकल. नेक्स्ट इज फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस. अब एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है कि हम तोड़ना, मतलब कि हम डिवाइड कर देते हैं प्रॉब्लम टू द कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जोड़ना. ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम डिवाइड कर देते हैं प्रॉब्लम इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड सिंथेसिस के अंदर क्या हो जाता है, उन्हें सबको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं. ठीक है, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस. जो नॉलेज है स्टूडेंट की वो क्या होती है, वैल्यू. एनालिसिस का मतलब होता है कि हम डिवाइड कर देते हैं प्रॉब्लम इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट, मींस एनालिसिस का मतलब तोड़ना, सिंथेसिस का मतलब जोड़ना. नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस. जैसे कि हम क्या करते हैं कि सेंसेस के थ्रू ट्रेन करते हैं. ठीक है, जैसे साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, ये क्या है, गेटवे टू द नॉलेज. नेक्स्ट, ये सभी के सभी क्या है, मैक्सिम्स हैं टीचिंग के. आइए एक बार से फटाफट से रिवाइज करते हैं कंप्लीट लेक्चर, कौन कौन से जनरल रूल्स और फंडामेंटल्स होते हैं टीचिंग के. सबसे पहले हमने देखा कि जो मैक्सिम होते हैं वो ग्राउंड रूल और फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, और ये गाइड करते हैं फ्यूचर एक्शन और बिहेवियर के लिए. ठीक है, उनको हम बोलते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग. सेकंड, फर्स्ट हमने पढ़ा, फर्स्ट रूल कौन सा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सबसे पहले हम बच्चों को सिंपल सिंपल चीजें सिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स में जाते हैं. नेक्स्ट, फ्रॉम नॉन टू अननोन. नॉन टू अननोन में क्या होता है, जैसे हमने भगवत गीता है उसको प्रायर नॉलेज को बेस बना के दूसरे नॉलेज पे पहुंचते हैं, तो उसको फ्रॉम नॉन टू अननोन. नेक्स्ट, फ्रॉम सीन टू अनसीन. इसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट है नॉलेज उसको अबाउट द प्रेजेंट, एंड देन दे अंडरस्टैंड द पास्ट एंड फ्यूचर बेटर. नेक्स्ट, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट. कंक्रीट का मतलब क्या होता है, कंक्रीट का मतलब होता है कि जैसे छोटे बच्चों को हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं वो होता है कंक्रीट, और अब्स्ट्रैक्ट जब हम इमेजिनेशन में लेके चले जाते हैं. जो मेंटल डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड होती है, कंक्रीट से, और एब्स्ट्रैक्ट में जो इमेजिनेशन में लेके चले जाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा. फ्रॉम होल टू पार्ट. होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट. गेस्टल्ट साइकोलॉजी में कहते हैं कि सबसे पहले हम पूरा ऑब्जेक्ट देखते हैं, देन उसके हम पार्ट्स को देखते हैं, तो वो क्या होता है, होल टू पार्ट. नेक्स्ट, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल. साइकोलॉजिकल होता है वो कौन होते हैं, साइकोलॉजिकल छोटे बच्चों को हम साइकोलॉजिकल के थ्रू सिखाते हैं, मतलब पेडागोजी के थ्रू सिखाते हैं, एंड बड़े बच्चों को हम लॉजिकली सिखाते हैं. लॉजिकली मतलब जैसे एंड्रागोगी, एंड्रागोगी अप्रोच के अंदर अप्लाई होती है. ठीक है, नेक्स्ट, एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब तोड़ना, सिंथेसिस का मतलब जोड़ना, और देन उसके बाद लास्ट में हमें ट्रेनिंग देते हैं सेंसेस के थ्रू, जैसे कि साइट, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, ये क्या है, गेटवे टू द नॉलेज. ये सभी के सभी रूल्स हैं, मैक्सिम्स हैं टीचिंग के. नेक्स्ट लेसन में हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास.